आदाब आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में खैर मकदम। मेरे साथ हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर। डॉक्टर साहब ने कश्मीर में कोविड 19 के खिलाफ जो जंग हो रही है उस जंग में एक अहम किरदार हैं, एक इम्पॉर्टेंट और एक सेंट्रल फिगर हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे बातचीत की थी और इन्हें कोविड के बारे में वादी कश्मीर में क्या कुछ हो रहा था उस पर उनसे पूछा था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना वक्त देने के लिए। इसको भी देख रहा हूँ आपके बिखरे हुए बाल बता रहे हैं कि आप बहुत मसरूफ हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो रात दिन वाला काम है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू सर्व द पीपल और होपफुली हम ये जंग जीतेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे बताइए कोविड 19 मार्च 24 को जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद अनलॉक हुआ और अब जो ये वेव आया है, आप किस चीज को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि इतने भयंकर तरीके से 60 लोगों की कल मौत जम्मू कश्मीर में हुई है। हालांकि कश्मीर में न जाने आप लोग किस तरीके से इस सब चीज से डील कर रहे हैं कि केसेस का नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन कैजुअलिटी वहां पे कम है, और मैं आपके आईसीयू का नंबर भी देख रहा हूं कि आईसीयू में अभी भी आपके वहां जगह है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि कहां गलती हुई हमसे। नहीं देखिए, पहली बात तो जब हमारी पहली वेव खत्म होने को हुई, जब हमारे नंबर ऑफ केसेस जो प्लेटो हो गए और फेब में आपने देखा कि हमारे केसेस 50 से कम पर डे ऑन एन एवरेज दिखाई देने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि नंबर वन तो एक कॉम्प्लेसेंसी एक लोगों में आ गई, शायद कोविड ख़त्म हो चुका है तो अब हम जो प्रिकॉशनी मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, हमारा वैक्सीन भी आ गया उसी टाइम, तो लोग शायद समझ गए कि शायद वैक्सीन आ गया तो शायद अब हम एब्सोल्युटली सेफ है, जो कि नहीं है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, तो जो पिछले बड़े इन्फेक्टेड पीपल थे प्रोबेबली उस इम्यूनिटी में भी हम देख रहे हैं कि वो वीन ऑफ हो गई, तो वो भी एक वजह हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो हमारी वायरस जो है जिसका बिहेवियर चेंज हो गया, जो हम देख रहे हैं कि हमारे इस टाइम जो है ये वायरस का स्ट्रेन जो हमारे पास इस टाइम दौड़ रहा है, इसकी इन्फेक्शसनेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और सेकंड चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ इन्वॉल्विंग द यंग पीपल दिस टाइम। पिछले साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज थे जो मॉडरेट सीवियर नमोनिया में इन्वॉल्व हो रहे थे, दे वेयर एल्डरली अबाउट द एज ऑफ 50 ईयर्स और सेकंड जो कोमॉर्बिडिटीज में इन्वॉल्व थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये उन लोगों को भी मॉडरेट और टू सीवियर नमोनिया कॉज कर रहा है जो हमारे 20s 30s 40s में है। तो इसकी वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन सी हो गई, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स पे जो है वो काफ़ी बर्डन पड़ गया, क्योंकि पिछली वेव में भी ये इन्फेक्ट तो हो रहे थे, जवान भी हो रहे थे, लेकिन यूजुअली उनकी इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से दे वर एबल टू फाइट इट और वो सीरियस डिजीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बार जब वो भी सीरियस डिजीज में इन्वॉल्व हो गए तो इट हैज पुट एन अनप्रेसिडेंटेड बर्डन ऑन द हॉस्पिटल्स। और जो इन्फेक्शसनेस है वो जो हम इस टाइम देख रहे हैं, लास्ट टाइम हम देख रहे थे जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी तो मे बी अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द इन्वॉल्व पर्सन यूज टू गेट इन्वॉल्व, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब एक पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है तो इनवेरिएबली होल ऑफ द फैमिली टर्न्स पॉजिटिव इन द नेक्स्ट 7 to 10 days। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये स्ट्रेन एग्रेसिव है? एग्रेसिव से मेरी मुराद ये है कि पेशेंट, दो चीजें हैं इस सारी सिचुएशन को देखने की। एक तो ये है कि चूंकि पेशेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है उस वजह से मोर्टेलिटी हमको ज्यादा नजर आ रही है, या ये स्ट्रेन एग्रेसिव ज्यादा है इसलिए मोर्टेलिटी ज्यादा है, आपका ओपिनियन क्या है? नहीं देखिए, अगर हम देखें ऑन एन एवरेज मोर्टेलिटी हमारी उतनी ही है जितनी लास्ट ईयर थी। ऑब्वियसली जितने नंबर हमारे केसेस के बढ़ेंगे उतनी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स हमारी बढ़ेगी। मोर्टेलिटी अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी 2% के करीब थी लास्ट ईयर भी, और इस टाइम भी हम अगर हम देखें ओवरऑल तो मोर्टेलिटी का फिगर जो है वो सेम है। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, जो पिछले साल हम देख रहे थे कि हमारे 1200-1300 तक हमारा पीक फिगर गया था, आज तो हम 5500 तक पहुंच चुके हैं। और ये जब एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस हमारे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी, तो ये तो नहीं हम देख रहे हैं कि हालांकि ये सीवियरिटी कॉज मतलब सीवियर डिजीज कॉज कर रहा है इवन इन यंग पीपल, लेकिन मॉर्टेलिटी के हिसाब से हम देखें तो वो रिकवर भी हो रहे हैं तो उनमें मॉर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एब्सोल्यूट नंबर मॉर्टेलिटी, वो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा जब हमारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो
तो इसका मतलब साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि, आज भी मैं किसी डॉक्टर को सुन रहा था कि जनाब ये जो स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत जल्दी फैलता है, वो तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन लोग ये समझना चाहते हैं आपसे कि एग्रेसिव कितना है। क्या मैं ये कहूं कि जो पिछली बार कोविड 19 में कोरोना वायरस मार्च 24 को जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो हमने जम्मू कश्मीर में जून जुलाई के महीने में अमवात देखी थी, क्या ये बिल्कुल सेम ही पैटर्न पर चल रहा है सब कुछ, या पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है? नहीं देखिए, पैटर्न तो ऑब्वियसली अब देख, जैसे मैं आप पहले भी बात कर रहे थे कि इन्फेक्शियसनेस तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम देख रहे हैं इस टाइम की ऑलमोस्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस इन्फेक्शन इन अ फ्यू डेज टाइम। लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि हालांकि सिचुएशन वही थी, वायरस वही था, लेकिन हम देख रहे थे कि हर कोई फैमिली मेंबर उस टाइम नहीं इन्वॉल्व हो रहा था, तो ऑब्वियसली ये इट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि इन्फेक्शियसनेस ऑफ दिस वायरस इज मोर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और चूंकि हमारे जो यंग पीपल थे उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लास्ट ईयर में उनमें भी काफ़ी प्रोपोर्शनेट में इनफैक्ट मेजॉरिटी वही पेशेंट होते थे जो इन्फेक्ट होते थे, लेकिन सीवियर डिजीज कॉज नहीं हो रही थी। जब वो हो रही है तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट जो इसकी सीवियरिटी है, पावर ऑफ सीवियर इन्फेक्शन करने की, वो भी ऑब्वियसली बढ़ चुकी है। दो तरह का डॉक्टर साहब जम्मू में भी वायरस का बिहेवियर देखने में मिल रहा है। एक तरफ वो है बहुत बड़ी तादाद में लोग जो होम आइसोलेशन में हैं और वहीं से रिकवर हो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर ये शिकायत कर रहे हैं कि जो तो पेशेंट आपका वेंटिलेटर जिसके पास है, बायपैप जिसके पास है, एचडीयू यूनिट में, आईसीयू में, सीसीयू में है, वो पेशेंट तो आराम से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन खाली ऑक्सीजन देने से वो पेशेंट जो 60 की सेचुरेशन लेकर आ रहा है आपके वार्ड में सीधा, जहां बायपैप की फैसिलिटी नहीं है, उसको बचाना कुछ कदर मुश्किल है। आपका अपना ओपिनियन क्या है, ताकि यहां के डॉक्टर्स के साथ भी आपका ओपिनियन शेयर हो और यहां के डॉक्टर्स को भी मदद मिले हालात को ठीक कैसे किया जा सकता है वो करने में? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर किसी ये कोविड जो नमूनिया लेके आता है जिसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। कोई माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, क्रिटिकल कोविड होता है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी हमारी वैरी करती है। हमारे नॉर्मल अगर हम बेड्स की हम बात करें जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, उनका जो फ्लो होता है, जो प्रेशर होता है या क्वांटिटी ऑक्सीजन की होती है, दैट डिलीवर्स मे बी अप टू 5 liters और इवन अप टू 10 liters तक वो दे देता है। लेकिन इन कोविड पेशेंट्स में जो हम देखते हैं, दे यूजुअली रिक्वायर वेरी हाई फ्लो ऑक्सीजन। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनकी रिक्वायरमेंट 85 लीटर्स तक चली गई, और वो भी कुछ मतलब हमने देखा कि काफी लोग काफी टाइम के बाद वो रिकवर हो गए, उसके बाद धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। लेकिन अब जहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, उनका भी एक लिमिट होता है जो वो सप्लाई कर सकते हैं when the number of beds are large। मैं जैसे आपका एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे 400 लीटर पर मिनट का प्लांट है, उसमें हम 5 लीटर के हिसाब से अनुमान लगाएं तो 80 बेड्स को प्रोवाइड कर सकता है, और अगर इस पे की रिक्वायरमेंट 10 लीटर्स होगी, नंबर ऑफ बेड्स जिसको वो 10 लीटर्स प्रोवाइड कर सकता है वो 40 तक आ गया, और अगर जितनी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को ज्यादा जरूरत होगी तो उतना नंबर ऑफ बेड्स को वो कम प्रोवाइड करेगा, तो दैट इज द मेन रीजन। तो अगर इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जो अप टू 60 लीटर्स देते हैं, लेकिन बैकअप उनका उतना होना चाहिए कि वो 60 लीटर्स प्रोवाइड करें, और उसके बाद बायपैप की हम बात करें तो बायपैप एडिशनल प्रेशर दे देता है जो हम सांस लेते हैं या ऑक्सीजन को डिलीवर करने में, तो दे आर ऑब्वियसली मोर बेनिफिशियल इन सीवियर टू क्रिटिकल कोविड। लेकिन जो हमारे बेसिक मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं, वो जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हाई फ्लो ऑक्सीजन मींस कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिससे उसकी सैचुरेशन जो है वो अबव 90 चली जाएगी, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना हम ज्यादा हॉस्पिटल्स पे लोड लगाएंगे उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा, तो उतना बैकअप हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम इन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सके। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, कहा ये जा रहा है कि जो पीएम केयर के तहत वेंटिलेटर्स जम्मू कश्मीर में आए हैं, उन तमाम वेंटिलेटर्स को आपको लिक्विड ऑक्सीजन पे चलाना है,
वो आपके नॉर्मल ऑक्सीजन फ्लो पर नहीं चलते, और अगर लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास नहीं है तो उन वेंटिलेटर्स का पेशेंट को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ भी पीएम केयर से काफ़ी वेंटिलेटर्स आए हैं, एंड वी हैव जो हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है विच प्रेडोमिनेंटली इज इन्वॉल्व्ड इन द वेंटिलेशन पार्ट, वी आर एन एक्सेसरी जो हमको एड करते हैं उसमें तो। लेकिन हमारे जहाँ पे जो वेंटिलेटर्स चल रहे हैं वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हमारे आईसीयू में बखूबी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारे जो उतने मतलब जो जितने नंबर ऑफ बेड्स हैं हमारे ऑलरेडी वहाँ पे वेंटिलेटर्स इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन दे हैव यूज दैट, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें उनको रन करने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा, कश्मीर में मॉर्टलिटी कंपैरेटिवली कम है, जम्मू में मॉर्टलिटी ज्यादा है। कुछ एक लोग जिनसे हम बात करते हैं यहाँ पर, वो ये कहते हैं कि कश्मीर जम्मू पीक पर है इस समय और कश्मीर में पीक अभी आई ही नहीं है, और जबकि कॉन्ट्ररी व्यू ये भी है कि कश्मीर में एफिशिएंटली और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है पेशेंट्स को मैनेज किया जा रहा है, और पहले एक्सपीरियंस से जो कश्मीर में डॉक्टर्स ने सीखा है उसी की वजह है कि आज कंपैरेटिवली मॉर्टलिटी कश्मीर में कम और जम्मू में ज्यादा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जम्मू पे तो कमेंट नहीं कर सकता, मैं श्रीनगर की अगर बात करूं तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट टू द पेशेंट्स, जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या सीवियर हमारे पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, वी हैव ट्राइड टू, देयर इज नो डाउट, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा कोविड को ट्रीट करने में, यू टेंड टू मॉडिफाई द ट्रीटमेंट एज पर द पेशेंट्स नीड, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा बेहतरी से इन पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी इसमें बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मॉर्टेलिटी जो है हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल हम कश्मीर की बात करें तो 20 मॉर्टेलिटीज़ हो रही हैं, तो जम्मू की बात करें तो भी वो सेम नंबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट जो डिटेक्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। इट कैन, वी कैन थिंक इट ऑन द अदर वे आल्सो कि नंबर ऑफ टेस्ट शायद जम्मू में हो सकता है कम हो रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ केसेस का डिटेक्शन कम हो रहा है, मॉर्टेलिटी सेम है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे साथ। तो ये तो आगे टाइम ही बताएगा कि व्हाट इज़ द रियल नंबर, तो उसी हिसाब से हम अनुमान फिर लगा सकते हैं कि ये रियलिटी में जो नंबर ऑफ केयर पेशेंट्स हैं वो कहाँ पे कितने हैं और आगे ट्रेंड कितना रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो हमारी जो वो जम्मू हो, श्रीनगर हो या पूरे मुल्क की बात करें तो हमारी रिकवरी रेट जो है अल्टीमेटली वो 98% पे पहुंचेगी, बिकॉज मॉर्टेलिटी इज ओनली 2%। वो एब्सोल्यूट नंबर की बात है, वो देखने की बात है कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स कितनी होगी। अरे डॉक्टर साहब, अब आएंगे बेसिक पार्ट पर, वो ये है, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो कोविड-19 के इस बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार खांसी, चूंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिम्टम माना गया है, क्या कुछ और सिम्टम्स हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है? तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर में से आपको सुन रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिन पर आपको खास नजर रखनी है और फौरन अपने आप को घर के तमाम लोगों से आइसोलेट करना है और अपना टेस्ट कराना है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि लास्ट ईयर सिम्टम्स सबको पता है, खांसी, जुकाम, गला खराब, सांस फूलना या लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, बॉडी एक्स, लेकिन इस टाइम हम अजीब सी एक बात देख रहे हैं, जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स अक्सर यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेके नहीं आते हैं, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, हो सकता है थोड़ी बॉडी एक हो जाए और उसके बाद कुछ ही दिनों में इनके डायरेक्टली इनके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि वो नमूनिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस इसमें। पेशेंट्स को अगर किसी का कॉन्टैक्ट हो गया किसी पॉजिटिव पेशेंट से, ही हैज़ टू इमीडिएटली आइसोलेट, नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, और जब कुछ भी सिम्टम्स आ जाएँ इमीडिएटली गेट हिमसेल्फ टेस्टेड, या अगर वो आइसोलेशन में है 5-7 दिन हो जाएंगे तो इमीडिएटली वो अपना टेस्ट करा लें, ये देखने के लिए कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, और साथ में जो भी वार्निंग साइंस उसको एक्सप्लेन किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन ऑफ पॉजिटिव, जैसे ही हैज़ टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर हिज सैचुरेशन, बिकॉज सैचुरेशन एस्पेशली ऑन एक्सर्शन इज द फर्स्ट साइन कि इसके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्योंकि ये हम देख रहे हैं इस टाइम ट्रेंड कि अपर एक्सर्शन से क्या मुराद है डॉक्टर साहब आपकी?
मेरा मतलब ये है कि जब वो फॉर एग्जांपल बेसलाइन उसकी सेचुरेशन ठीक है, उसकी अबो 90 आ रही है, तो वो थोड़ा एग्जर्ट कर रहा है, वॉशरूम तक जा रहा है या सीढ़ी चढ़ रहा है या थोड़ा वॉक कर रहा है, तो उस टाइम अगर ड्रॉप हो रही है सेचुरेशन, दैट कैन बी एन अर्ली इंडिकेटर कि इसके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे यानी हैं। आप अगर 6 मिनट चल लेते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, तो आपको आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, HRCT कराने से पहले आप ये दिस कैन बी वन ऑफ द टेस्ट। बिल्कुल, ये एक अर्ली इंडिकेटर है जो एक जिसमें इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आम आदमी अपने घर पे कर सकता है विदाउट एनी बाहर जाने के, तो दिस कैन बी अर्ली इंडिकेटर। तो इसके अलावा बाकी वार्निंग साइंस जैसे हैं चेस्ट पेन होना या ब्लूइश डिस्कलरेशन होना लिप्स का, व्हिच इंडिकेट्स दैट कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हो रहा है, तो दिस कैन बी अर्ली इंडिकेटर्स, एंड इफ दे आर कॉट अर्ली, तो अर्ली इंटरवेंशन करके हम उसको उसकी लाइफ जो है बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि RT-PCR टेस्ट कराएं, आप रैड टेस्ट कराते हैं, RT-PCR भी नेगेटिव है, रैड भी नेगेटिव है, लेकिन आप जब अपना HRCT कराते हैं तो आपके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? केसेस तो होंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%, 5% कि ये आप हो सकता है स्किप हो जाए लेकिन बाकी सब पकड़ा जा रहा मैं देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो रैट की सेंसिटिविटी है है? इट इज़ अराउंड 50%, एवरीबॉडी नोज इट। तो अगर ठीक। आप अपना सिम्टोमेटिक है, आप अपना रैट टेस्ट कराते हैं, आपका पॉजिटिव आ रहा है, आपको पॉजिटिव आने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है RT-PCR करने की, बिकॉज ठीक इट कैन कम आउट टू बी नेगेटिव, और एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगर आपका ठीक रैट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, आप सिम्टोमेटिक हैं, तो आप अपना RT-PCR टेस्ट करा लें। RT-PCR की सेंसिटिविटी भी अराउंड 70-75% है, सो ठीक उसमें 25% चांसेस हैं कि उसमें भी मिस हो सकता है। अगर आपका उसके बाद भी आप सिम्टोमेटिक हैं, आपके चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट लग रही है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप इन ऑक्सीजन या कफ हो रहा है, तो RT-PCR आपका नेगेटिव आ रहा है, देन ओनली गो फॉर है सीटी स्कैन, और उसमें अगर रेडियोलॉजिकल पिक्चर आपकी टिपिकल आ रही है विच इंडिकेट्स वायरल नमोनिया, देन यू कैन टेक इट कि आप इस कोविड नमोनिया में इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर साहब, कितने परसेंट पेशेंट हैं जिनको आप इस वक्त, आपको दुनिया देख रही है, ये कहेंगे कि आपको घर पे मैनेज किया जा सकता है, आपको बुखार हो गया? अब यहाँ जम्मू में क्या हो रहा है कि बुखार 99 हो गया, 100 हो गया और आप सीधा भाग रहे हैं अस्पताल और ढूंढ रहे हैं अस्पताल में बेड और कहते हैं जी मुझे एडमिट कर लो क्योंकि मुझे लगता है मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी क्योंकि मैं कोमॉर्बिड हूँ, जी मुझे हार्ट की तकलीफ है, आप मुझे एडमिट कर लें, मेरी ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर जाएगी। सो मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि कितने परसेंट पेशेंट ऐसे हैं जिनको आप ये कहेंगे कि बुखार हो गया, आप कोमॉर्बिड हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करते रहें, और कैसे उनको ये पता चले कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट लैंड अप इन अ हॉस्पिटल? देखिए, इसमें हमारा जो है डेफिनेट प्रोटोकॉल बना हुआ है, देर आर कोविड केयर सेंटर्स, देर आर लेवल वन हॉस्पिटल्स, लेवल टू हॉस्पिटल्स, लेवल थ्री हॉस्पिटल्स, और उसमें डेफिनेट क्राइटेरिया है कि किस पेशेंट को कहाँ पे जाना है, और जब भी कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है पॉजिटिव, उसको कंट्रोल रूम से फोन जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज़ है, आपकी क्या कंडीशन है, उसको वार्निंग साइंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, और उसको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है कि अगर कोई भी आपका वार्निंग साइन हो तो इमिजिएटली इस नंबर पे कॉल करें, वहाँ पे टीम जाती है उनके घर पे, वो इवेलुएट करती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, एंड देन एज दे डीम फिट कि वो लेवल वन में जाना है, लेवल टू में जाना है, लेवल थ्री में जाना है, विच डिपेंड्स ऑन हिज क्लिनिकल कंडीशन, उसकी पैरामीटर्स क्या है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, उसकी कोमॉर्बिडिटी क्या है, तो उसके बेसिस पे उसको फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाता है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोटोकॉल। आई थिंक दिस प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड इन फुल। अननेसेसरली कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे एडमिट होगा, एक बेड ऑक्यूपाई करेगा, जहाँ पे हम एक बहुत से सिक पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, अगर वो अननेसेसरली एक स्टेबल पेशेंट की वजह से एक बेड ऑक्यूपाई हो जाता है, और मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए आई थिंक द SOP और द प्रोटोकॉल
which has been set up should be followed in the full. और फिर आगे जाके उसमें referral system भी है, अगर किसी hospital में उसकी condition deteriorate हो रही है तो वहाँ पे proper referral system है तो वो उसको फिर next level पे transfer किया जाता है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो it will be a sort of a chaotic situation जहाँ पे beds पे मारा मारी होगी और जो मतलब जो डिजर्विंग है उनको फिर बेड ना मिलने की फिर ऐसा डेंजर हो सकता है. अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी साइकोलॉजिकल जंग है कोविड-19. एक पेशेंट आपको पता चल गया, बुखार आ गया, आपने टेस्ट कराया, आप कोविड पॉजिटिव हो गए, उसके बाद आपके माइंडसेट के साथ कितनी बड़ी साइकोलॉजिकल जंग एक पेशेंट के लिए है अपने आप को स्टेबल रखना और इंश्योर करना कि आप सिम्टोमैटिक हैं लेकिन आप मॉडरेट माइल्ड से मॉडरेट से स्वेयर ना हो जाए, कितना बड़ा रोल इसमें साइकोलॉजी का भी है. देखिए इसमें साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. देखिए आप वो सिचुएशन नहीं है, पिछले साल हम देखते थे कि लोग शायद समझते थे कि एक बार कोविड इन्फेक्शन हो गया शायद इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डेथ सेंटेंस, बट एज टाइम पास्ट दे आल्सो केम टू नो कि नहीं जी, इसमें मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है वो रिकवर कर लेते हैं, मॉर्टेलिटी 2% है, या जो सीवियर डिजीज जिसमें मुबतला होते हैं तो उसमें मे बी 15-20% ऐसे लोग आते हैं. तो डॉक्टर्स में भी ये कॉन्फिडेंस आ गई कि नो विद टाइम वी हैव फाउंड सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही सही या कुछ ऐसे मेडिसिन है जो काफ़ी हेल्प करते हैं इन डिजीज में. तो इट इज अ बोथ साइडेड कि डॉक्टर्स भी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो गए, नो वी हैव नाउ द कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रीटिंग सच पेशेंट्स, एंड सिमिलरली पेशेंट्स का भी थोड़ा सा वो जो है जो साइकोलॉजिकल सेटअप है वो इम्प्रूव हो गया. तो लेकिन जो पेशेंट स्ट्रेस में आ जाता है, ऑब्वियसली स्ट्रेस इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच reduces or depresses your immune system also. So you have to be strong, and it is the duty of the healthcare workers also to encourage the patients, to give them confidence that yes, you can fight it out, and the outcome in such patients we have found is far better. मुझे बताएं ये वेव, अब इस समय हम जो मौत का रोज लगभग जो मौत के फिगर्स आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या कह रहा है कि कब ये पीक नीचे आएगी और कितने दिन का लॉकडाउन आप डॉक्टर नवीद आप रिकमेंड करते हैं जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए, जिसके बाद आप ये मान के चलेंगे कि आपकी पॉजिटिविटी भी कम होगी और जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज है वो भी कम होगी और अब इन्फेक्शन को भी रोक पाएंगे, आपका ओपिनियन क्या बिल्कुल आखिर में? देखिए मैं यही कहूंगा कि लॉकडाउन जो है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज़ वी हैव टू कम बैक टू आवर रूटीन एक्टिविटीज. अगर हम लॉकडाउन इज जस्ट टू ब्रेक द चेन, उसको हम सीवियरिटी ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर हमने ये रिड्यूस कर दिया देन वी कैन कम बैक टू नॉर्मल ओनली if we follow the SOPs. So SOPs have to be followed after you get rid of the lockdown. So lockdown abhi iska asar jo hai abhi it's just around 7 days jab hamara lockdown lag chuka hai, and I think the results of the lockdown will be evident in maybe 7-10 days more. So I think if after that there's a relaxation of the lockdown, but people have to be extremely cautious aur unko jo SOPs hai us par follow karne ki bahut zarurat hai jisse hum isko fir aage jane se rok sakte hain, warna all the hard work done. Lekin aap tab bhi kitne din ka lockdown jo hai aapka apna opinion hai ki is tarikh tak to aapko lockdown rakhna padega, uske baad then one can start thinking about lifting the lockdown. देखिए वो तो इट्स द ओनली द फिगर्स कैन टेल. जब भी हमारे जो केसेस जो है नंबर ऑफ केसेस जो है वो अभी तक हमारे वही 5,500 के करीब तक पहुंच चुके हैं. व्हेन वी सी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑन डेली बेसिस, तो उसके बाद हम एक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीजन दे सकती है कि हम किस हद तक इस लॉकडाउन को रिलैक्स कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया. मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप बहुत मसरूफ हैं, दाएं बाएं लोग हैं. बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी मदद करे जिस तरीके से आप वहां पर काम कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन से जुड़ने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.